आयुष्मान खुराना कुछ ऐसे चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में अपना एक मुकाम हासिल किया है, और अंधाधुन में की गई उनकी एक्टिंग उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जा सकती है, जिसमें उन्होंने एक अंधे लड़के का किरदार निभाया है और इसे लोगों ने खूब सराहा भी था। पर ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं हो पाया। अंधे लड़के का किरदार प्रोमिसिंगली निभाने के लिए उन्होंने कई दिनों तक कुछ ऐसे लेंसेज अपनी आंखों में पहने थे जिनसे उनका विजन वाकई में 80% तक कम हो गया था। इतनी सीरियसली अपने किरदार को निभाने के लिए उन्होंने मेहनत की थी और इसी वजह से लोगों ने इस किरदार को इतना पसंद किया था। बाय द वे, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अंधाधुन में आयुष्मान से पहले वरुण धवन को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था। क्या आपको यह लगता है कि वरुण धवन आयुष्मान की जगह इस रोल को इतना ही शिद्दत से निभा पाते? अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है तो ये बनियान पहन लो, या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है तो ये टोपी खा लो, तो आप मुझ पे हंसेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही आपको एडवर्टाइज करके या सेलिब्रिटी के थ्रू बुलवा के आपको सामान बेच भी रही है और आप बनियान खरीद के पहन भी रहे हो और टोपी खरीद के खा भी रहे हो। विश्वास नहीं होता? लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो, ऐसे कह के वो बनियान को लक से जोड़ रहे हैं। लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। और इसी तरह से मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे, ऐसे कह के वो एक टॉफी को दिमाग को तेज करने वाली बता रहे हैं। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। और आप लोग ये सब खरीद भी रहे हैं। गाइस, आइडिया बुरा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट एडवर्टाइजमेंट। उनको पता है कि ऐसी कहानियां आज भी दिमाग पर उतना ही असर डालती हैं, चाहे आप मानो या ना मानो, बस दिखाने का तरीका अलग होना चाहिए। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी? गाइस, क्या आपने कभी गौर किया है कि बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपको अपना बेस प्रोडक्ट सस्ते में बेच देती हैं, लेकिन उसकी एक्सेसरीज से वो आपसे मोटा मुनाफा कमा लेती हैं? कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल है जिलेट का, जिसका अगर आपने रेजर खरीद लिया तो रेजर तो आपको वो सस्ते में बेच देगी, लेकिन रेजर खरीदने के बाद आप उसकी ब्लेड तो चेंज करोगे क्योंकि वो खराब हो जाएगी, तो ब्लेड में जिलेट आपसे अच्छा मुनाफा कमा लेती है। दूसरा एग्जांपल है अमेज़न के किंडल का, जो आपको सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन किंडल सस्ते में मिलने से कुछ नहीं होता, उसमें बुक्स पढ़नी है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और वहीं से ही अमेज़न किंडल आपसे पैसा कमा लेता है। और तीसरा एग्जांपल है एचपी और कैनन के प्रिंटर्स, जो आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट में सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन वो मोटा मुनाफा कमाते हैं प्रिंटर की इंक से, क्योंकि आपको प्रिंटर में रिफिल करने के लिए इंक तो चाहिए, तो वहां से वो आपसे अच्छा मुनाफा कमा लेती हैं। गाइस, यही होती है कला, मुनाफा कमाने की या पैसा कमाने की। गाइस, आपको ये जानकारी कैसे लगी? ये बात है 1980 की, जब महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अमलनेर गांव में रहने वाले मोहम्मद अनवर के पिता की अचानक से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पीछे जायदाद में एक खेत था, जिसे मोहम्मद अनवर के अलावा तीन भाइयों में बराबर से बांट दिया गया। लेकिन मोहम्मद अनवर ने उस जमीन के टुकड़े को 80,000 रुपए में बेच दिया और एक ब्रोकर सतीश शाह के कहने पर 10,000 रुपए विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और 100 शेयर्स विप्रो कंपनी के खरीद लिए। 1980 में किया गया ये इन्वेस्टमेंट आज 40 साल बाद 1500 करोड़ रुपए में बदल चुका है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए तो सिर्फ डिविडेंड के तौर पे मोहम्मद अनवर को मिले हैं। गाइस, ये है पावर इन्वेस्टमेंट की। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट करिए। जब भी आप अपनी कार या फोर व्हीलर को हाई स्पीड पे दौड़ाते हैं तो आपके फ्यूल की खपत भी डबल हो जाती है, और हाई स्पीड पे दौड़ाते वक्त अगर कार की खिड़कियां भी खुली हैं तो 10% ज्यादा ईंधन वेस्ट होता है। इसीलिए जब भी आप हाई स्पीड पे कार को दौड़ाएं तो कार की खिड़कियां बंद कर लें। बाय द वे, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब भी आप अपनी कार को 45 किलोमीटर पर आवर से 75 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ाते हो तो उस वक्त आपके कार की ईंधन की कंजप्शन लोवेस्ट होती है। गाइस, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।